हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेस में जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने होते हैं, जैसे अगर बात करें कि आप एक जो है स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें जब आप फीडिंग करते हैं मार्क्स की, तो उसमें रैंक को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स का रैंक अपने आप जो हो जाए, जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट या किसी सेक्शन के स्टूडेंट्स का आप मार्कशीट बना रहे हैं, तो उसमें नंबर जब आप एंटर करते हो तो नंबर एंटर करने के बाद टोटल तो अपने आप हो जाता है, ग्रेडिंग भी कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन रैंक के लिए क्या है। तो कई बार हम इस गलतफहमी में होते हैं कि रैंक के लिए भी हम जो है आई इफ वाला फॉर्मूला ही लगा बैठते हैं और वहां पर हो जाती है गलती। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 ओपन हो चुका है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि आपको ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। ये ब्लैंक डेटाबेस पे गए हम और यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर क्रिएट आ रहा है, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक डेटाबेस आ चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर टेबल बनानी है, तो टेबल आप एसक्यूएल व्यू में जाके बना सकते हैं या यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। तो चलिए व्यू पे ही क्लिक करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रैंक टी नाम से कर देता हूँ, इस टेबल का नाम क्या कर देता हूँ, रैंक टी, क्योंकि रैंक के लिए स्पेशल है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर आप चाहे तो स्टूडेंट आईडी डाल सकते हैं या अन्य कोई फील्ड अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो ग्रेड को लेकर नहीं बल्कि रैंक को लेकर के है। तो रैंक में बहुत कंफ्यूजन है, आप एज अ ग्रेड जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे रैंक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और कई स्टूडेंट्स का रैंक एक ही आ जाता है जबकि मार्क्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्या में ना पड़े इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को। ठीक है, और आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए और एक सॉफ्टवेयर जो कि रैंक कैलकुलेशन का है कैसे क्रिएट करेंगे ये देख भी लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट किया जाए। तो जो शुरुआत है वो हम यहां से कर लेते हैं। आप यहां पे चाहे तो स्टूडेंट आईडी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट आईडी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं रोल आर ओ डबल एल नंबर कर देता हूं, तो ये रोल नंबर कर दिया और रोल नंबर को मैंने रख दिया है ऑटो नंबर। ठीक है, अब ऑटो नंबर रखने के बाद हमें एक चीज ध्यान देना है कि जब इस फील्ड को यूज करना होगा तो हम हमेशा रोल नंबर ही टाइप करेंगे, यहाँ पे तब स्टूडेंट आईडी आप टाइप नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, स्टूडेंट आईडी के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, तो भैया यहाँ स्टूडेंट का नेम दे देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर देंगे एन ए एम ई नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आप गैप ना दे करके, यहाँ पे देखिए मैं गैप नहीं दे रहा हूं, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि गैप दें तो उसके जगह पे आपको क्या करना है, अंडरस्कोर लगाना है। ठीक है, तो अंडरस्कोर जरूर लगा लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टोटल मार्क्स कर देता हूँ, तो ये कर दिया टोटल मार्क्स, एम ए आर के एस, ये कर दिया टोटल मार्क्स। और यहाँ पे इसे नंबर डेटा टाइप बनाएंगे हम, कौन सा डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इसे क्या बनाना है, नंबर डेटा टाइप बनाना है। ठीक है, ये नंबर डेटा टाइप हमने बना दिया और अब क्या करना है, अब इसको यहां से ओके करना है। ठीक है, यानी व्यू पे क्लिक करना है और यहां से यस कर देना है, तो यहां पे ये इस तरीके से आ जाता है, आप देख सकते हैं। यहां पे इसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर छोटा है तो बड़ा कर लीजिएगा और बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नाम है राहुल। ठीक है, और यहाँ पे इनका मार्क्स है आउट ऑफ 100 77। ठीक है, मैं एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेट करके कई सब्जेक्ट ले सकते हैं। अविनाश कर देते हैं, अविनाश, तो एक और नाम आ गया अविनाश और इनका 45 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर एक और स्टूडेंट है हिना, जिनका है यहाँ पे 77। ठीक है, और एक और स्टूडेंट है अजय, जिनका है यहाँ पे 75। ठीक है, तो ये 75 कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहां पर तो अभी दिख रहा है कि कौन से लोगों का क्या रैंक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप ग्रेड के थ्रू करेंगे तो यही आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इसको अब क्लोज करते हैं, इस टेबल को यहां से क्लोज करेंगे, सेव करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमको वो क्वेरी समझनी होगी जिस क्वेरी को लिखने से हमारा रैंक कैलकुलेट होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ क्रिएट पे जाना है और यहाँ से आपको दिखेगा ये क्वेरी डिजाइन, तो क्वेरी डिजाइन पे जाइएगा और यहाँ से एसक्यूएल पे आ जाइएगा। आ गए, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट लिखा हुआ बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का ही हमें यूज करना है। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे क्या यूज करना है, सेलेक्ट कमांड, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आइएगा और यहां पे क्या देना है आपको, ए ए डॉट करिएगा, डॉट लगाइएगा और यहां पर क्या दे दीजिएगा, रोल नंबर। तो जैसे लिखा गया है वहां पे टेबल के अंदर रोल नंबर, वैसे ही आपको देना है। यहां पे देखिए कैसे रोल नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपको रोल नंबर क्वेरी में लिखना है। थोड़ा भी इधर-उधर होगा तो ये चलेगा नहीं, ये चीज आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। तो ये हो गया रोल और फिर यहां पे नंबर कर देंगे n u m b e r। तो स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में हमने दे दिया, देखिए यहां पे स्मॉल में लिखा हुआ है रोल और नंबर स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे जैसे ही आते हैं तो अब फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। डेटा टाइप वगैरह तो पहले ही मेंशन कर चुके हैं हम ऊपर ही, ठीक है। फिर यहां पे लिखेंगे a डॉट, डॉट लगाएंगे क्योंकि a वाला ही है ये। और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब एक बार चेक कर लेंगे कि ये नेम ऑफ स्टूडेंट ही लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। ये भी देखना जरूरी है क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही हमने भी टाइप कर दिया, ठीक है। और इसे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर तो आएगा तो वो नंबर में आएगा, इसी वजह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर कॉमा देंगे और कॉमा देकर फिर नीचे आएंगे। अब यहां पे देखेंगे कि इसमें और कौन से फील्ड डाले गए, तो टोटल मार्क्स है केवल, अब तो कोई फील्ड है नहीं, केवल टोटल मार्क्स बचा हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अब केवल टोटल मार्क्स बचा हुआ है। तो बस यहां पर आकर के और यहां पे फिर लिखिएगा ए डॉट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अच्छा यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, तो यहां लगा देते हैं टोटल एम ए आर के एस टोटल मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स लगा करके और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करके यहां पे दे देते हैं कॉमा, कॉमा दे करके एंटर करेंगे और यहां पे लगाएंगे काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगाएंगे, काउंट, तो सी ओ यू एन टी काउंट लगा दिया हमने। और काउंट लगाने के बाद यहां पे एस्ट्रेक लगाएंगे, एस्ट्रेक, ठीक है। एस्ट्रेक यानी ये मल्टीप्लाई वाला साइन होता है, इसको हम एस्ट्रेक बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या कर देते हैं, एज जो टेबल का नाम है वही नाम हमें देना है। तो यहां पे देखिए ना, रैंक टी नाम से हमने सेव किया है, तो यहां पर भी आपको रैंक टी ही देना है। तो आर ए एन के टी, रैंक टी कर दिया एज रैंक टी, ठीक है। अब एंटर करिए, नीचे आइए, नीचे आने के बाद क्या करना है आपको, जैसे नीचे आते हैं तो यहां लिखिएगा फ्रॉम और फिर यहां पे आर ए एन के रैंक टी करिएगा और फिर एज इनर ज्वाइन लगाइएगा। इनर ज्वाइन हमने आपको सिखाया था ना, इनर ज्वाइन कैसे यूज करना है, तो यहां पे इनर ज्वाइन लगा लीजिएगा, इनर ज्वाइन, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। और यहां पे वापस से आर ए एन के रैंक टी करिएगा और फिर यहां पर इसे एज बी कर दीजिएगा, एज बी, ऊपर ए करते आ रहा हूं मैं। यहां पे देख सकते हैं यहां पर सबको ए किया है लेकिन यहां पर मैंने बी कर दिया, एज बी, ठीक है, क्योंकि रैंक कैलकुलेट होगा। और यहां पे नीचे आएंगे तो यहां लिखेंगे ऑन, ओ एन ऑन, ठीक है। और फिर यहां लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, ए डॉट, और फिर यहां आएंगे टोटल मार्क्स पर, तो यहां फिर वापस से लिख देंगे टी ओ टी ए एल, टोटल एम ए आर के एस मार्क्स, ये हो गया। और टोटल मार्क्स और यहां पे करेंगे इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू, और यहां पे फिर कर देंगे बी डॉट टोटल मार्क्स, दोबारा फिर वही काम, ठीक है, बी डॉट टोटल मार्क्स कर देंगे यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे बी डॉट और फिर टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स किस में आएगा, तो टोटल मार्क्स आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो टोटल एम ए आर के एस मार्क्स हो गया। और अब इस ब्रैकेट को क्लोज करना है और क्लोज करके एंटर करना है। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको कल बताया था ना कि ग्रुप वाई पर मैंने क्वेश्चन दिया था कल, ठीक है, जो आपका प्री बोर्ड हो रहा है क्लास ट्वेल्थ का, तो उसमें मैंने ग्रुप वाई पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो ग्रुप वाई कीवर्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, तो यहां देखिए ग्रुप वाई भी यूज किया मैंने, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो और काम आपका आसान हो जाएगा। तो यहां पे क्या देना है, ए डॉट, सबसे पहले क्या देना है, रोल नंबर, ऊपर देखिए रोल नंबर दिया गया है, तो आर ओ डबल एल एन यू एम बी ई आर नंबर हो गया, कॉमा देंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहां पे क्या देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो वैसे ही आपको लिखना है। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए होगा, ए डॉट, ठीक है, तो ए डॉट नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया। अच्छा हर बार कॉमा देना जरूरी है, तो यहां पे कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। और अब यहां पे क्या देना है, टोटल मार्क्स देना है, तो ए डॉट टोटल मार्क्स कर दीजिएगा, टी ओ टी ए एल टोटल एम ए आर के एस, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। और जैसे ही टोटल मार्क्स हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है, अब सीधा यहां पे टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करना है यानी कि क्या करना है, यहां पर आपको देना है सेमी कॉलन, तो बस सेमी कॉलन दे दीजिए।
यहाँ पर एक और वर्ड लगा लीजिएगा, ए, ए छूट गया था। अब चलिए हो गया ये, अब इसको यहाँ से रन करवाने की जरूरत है, तो यहाँ से रन करवाया तो आप देख सकते हैं कि रैंक ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, देख सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखिए रैंक ऑटोमेटिक आ रहा है, किसका दूसरा है किसका पहला है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी, रैंक जो है आपका ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से ये रैंक कैलकुलेट हो रहा है, अगर मैं इसमें संख्या बढ़ाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी आ गए हम और यहाँ पे गौरव लिखते हैं, गौरव, और यहाँ पे 90 कर देते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और फिर यहाँ पे शुभम, शुभम कर दिया हमने, और यहाँ पे 66 किया, और यहाँ पे फिर आते हैं राजीव, एक और नाम लिखते हैं, और यहाँ पे 88 किया, और फिर यहाँ पे मोनिका एक और नाम लिखा, और यहाँ पे 92 किया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से हुआ है, और अब इसको सेव करने की बारी है, तो इसको सेव कर लिया है और अब इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और इस क्वेरी को भी सेव करना होगा, तब ये ठीक से रैंक कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे रैंक क्यू के नाम से इसे सेव करता हूँ, रैंक क्यू, ठीक है, ये रैंक क्यू कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये रैंक क्यू के नाम से सेव तो हो गया है, लेकिन जब इसको हम ओपन करेंगे और जब चलाएंगे तो यहाँ पर आपको रैंक नजर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही लोगों का रैंक आ रहा है, तो यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए आप। और यहाँ पे देखिए जिनका सबसे हाईएस्ट है उनका रैंक वन आ रहा है, यानी 92% जिनका है उनका क्या आ रहा है, रैंक वन आ रहा है, देख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 88% वाले का 3 आ रहा है, यहाँ पे 90% वाले का 2 आ रहा है, तो रैंक ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, कुल मिला के ये कहना है, ठीक है। अभी इसमें अगर आप बढ़ाते हो घटाते हो तो उसी के मुताबिक ये चेंज होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और नेम यहाँ पे लिखता हूँ युवराज, और इनका कर दिया 87, ठीक है, और यहाँ पे एक और लिखता हूँ मैं सुमन, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बढ़ा देता हूँ जैसे 94 यहाँ पे कर देता हूँ तो रैंक ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम रैंक वाले पे आएंगे, जैसे ये रैंक वाली क्वेरी जो बनी हुई है इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि रैंक अपने आप चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप रैंक कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो इसका काफी जो है बड़ा मतलब बन जाता है। अब यहां से जाकर के आप फॉर्म विजार्ड से फॉर्म बना सकते हैं, यहाँ पे गए और क्वेरी के ही बेस पे हमें लेना है, तो ये क्वेरी कर दिया हमने, यहाँ से नेक्स्ट किया, और यहाँ पे मैं फॉर्म है चूंकि ये क्वेरी के बेस पे हम फॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे डिजाइन में जाके मॉडिफाई कर दिया हमने। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे चीजें आ गई सारी, देख सकते हैं इस तरीके से। और जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर आप कॉम्बो भी लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज जो है ना, इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना होगा आपको इस तरीके से, यहाँ से जाकर के इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, और यहाँ पे कलर चेंज करना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये ठीक से दिखेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और उससे भी पहले यहाँ पे कॉम्बो बनाना जरूरी, तो देखिए ये यहाँ से जाकर के हम कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे इसे ड्रैग करवाएंगे, और जैसे ही ड्रैग करवाएंगे तो ये ओपन होगा थर्ड वाला ऑप्शन चूज करके, और हम रोल नंबर के बेस पे सर्च करेंगे सारी चीजों को। तो रोल नंबर यहाँ ले लिया है और यहाँ पे जाकर के, और ये रोल नंबर 1 आ जाता है, तो रोल नंबर 1 हटा करके रोल नंबर खाली रखेंगे हम, और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना बड़ा जरूरी, तो यहाँ से जाकर के, और अब यहाँ से हमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम डार्क ब्लैक करेंगे ताकि देखने में सुविधा हो, आसानी हो, और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए एकदम सॉफ्टवेयर का लुक तैयार है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे जाएंगे तो अब ये इस तरीके से, अब रोल नंबर 1 का कौन सा रैंक रहा या रोल नंबर 4 का कौन सा रैंक रहा, 8वां रैंक रहा, देख रहे हैं ये इस तरीके से कैलकुलेट भी हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको देखना है रोल नंबर 1 का रैंक, तो यहाँ रोल नंबर 1 का 7वां रैंक है, ठीक है, क्लास में कौन सा रैंक है, 7वां रैंक है। रोल नंबर 10 का पहला रैंक है, जिनका नाम क्या है, सुमन है, ठीक है। अब इसके लिए आप रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, तो रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए वापस आपको क्रिएट में जाना होगा, रिपोर्ट विजार्ड में जाना होगा, ये विजार्ड दिख रहा होगा, यहाँ से विजार्ड में जाइएगा, और रिपोर्ट भी हमारी किसके बेस पर डिजाइन होगी, तो क्वेरी के ही बेस पर डिजाइन होगी। तो यहाँ से जाकर के और हम रोल नंबर को प्रियोरिटी देंगे यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, और इसको मैं ब्लॉक्स में रखना चाहता हूँ, कैसे रखना चाहता हूँ ये हमें देख लेना है। और फिर यहाँ पे चूंकि ये रिपोर्ट है तो आर कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मॉडिफाई भी करेंगे क्योंकि हम यहाँ से रिपोर्ट को अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये गए, तो अब देखिए ये बहुत अनअरेंज्ड वे में है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइटल है ना, तो टाइटल पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे टाइटल में क्या देंगे, रिपोर्ट कार्ड, ये लिख देता हूँ रिपोर्ट, और यहाँ लिख देता हूँ कार्ड, तो ये हो गया रिपोर्ट कार्ड। अब देखिए रिपोर्ट कार्ड जो है डार्क में नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको डार्क में लेके आने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, इसको थोड़ा पहले इधर की तरफ स्क्रॉल करिए। अब देखिए
ये रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। और इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आ रहा है जो ये बॉक्स हटा देंगे हम, इसकी फिलहाल हमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये बॉक्स हटा दिया है और यहाँ पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जाकर के ये बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर का रखेंगे और ये जो टेक्स्ट का कलर है उसे व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये बेहतर। और अब इसकी साइज देखिए, नेम ऑफ स्टूडेंट की साइज कितनी बड़ी है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और छोटा करने के बाद फिर हमारा रिपोर्ट कार्ड अच्छा दिखेगा जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको छोटा कर लीजिएगा, और ये रोल नंबर वाला भी टेक्स्ट बॉक्स काफी बड़ा हो गया है, तो यहाँ से इसको छोटा करिए, और छोटा करने के बाद यहाँ से फिर इसको भी छोटा करिएगा, ठीक है। और छोटा करके फिर ये टोटल मार्क्स जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ लेके आइएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आपका रैंक जो है उसको यहाँ लेके आइए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, और नीचे भी आपको सेम वही प्रक्रिया दोहरानी है। तो यहाँ पे जाके और इसको थोड़ा सा इधर नेम ऑफ स्टूडेंट को एकदम साइज में रखना है, मतलब ऊपर नीचे एकदम मैच करके सही से रखना है, ताकि कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है, एकदम बराबर में दिखे ये, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो और लगे कि ये मार्कशीट ही डिजाइन हुआ है आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक क्वेरी बनानी है, ये रिपोर्ट कार्ड को सेव करने के पहले हमें एक क्वेरी बनानी होगी अलग से, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम रिपोर्ट कार्ड डिजाइन कर पाएंगे। वैसे तो हम यहाँ पे डिजाइन कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे सबका दिख रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबका ना दिखे, किसी जब हम सेलेक्ट करें तो किसी एक व्यक्ति का दिखे। तो मैं एक दूसरा रिपोर्ट कार्ड डिजाइन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। उससे भी पहले एक क्वेरी बनाएंगे, तो यहाँ पे क्रिएट पे जाके और क्वेरी विजर्ड पे जाएंगे, ये विजर्ड आपको दिख रहा होगा। तो पहला सिंपल क्वेरी विजर्ड हम चूज करेंगे और यहाँ से इस क्वेरी के ही बेस पे बना लेते हैं। तो ये क्वेरी पे गए और यहाँ से नेक्स्ट किया हमने, और ये यही नाम रहने देते हैं इस क्वेरी को। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पे क्राइटेरिया में आना है, क्राइटेरिया में, और हम यहाँ पे कहेंगे कि हम फॉर्म के अंदर देखेंगे, फॉर्म हमारा बना हुआ है, देख सकते हैं रैंक एफ के नाम से, और यहाँ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, और हमारे फॉर्म का नाम क्या है, रैंक एफ है, और इसमें हम किसके बेस पे चूज करेंगे, तो यहाँ पे हम रोल नंबर के बेस पे चूज करेंगे। तो आर, जैसे ही आर प्रेस करते हैं, देखिए नीचे रोल नंबर आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आपको लेवल नहीं लेना है, ठीक है। और ये रोल नंबर ले लिया, और रोल नंबर लेके और इसे सेव कर दीजिएगा, इस क्वेरी को भी हमें सेव करना है, तो ये सेव कर लिया क्वेरी को। अब इस क्वेरी को क्लोज कीजिएगा, आर क्यू क्वेरी के बेस पे हमारी रिपोर्ट डिजाइन होगी, ठीक है। ये वाली रिपोर्ट तो ठीक है, एक रिपोर्ट ये भी डिजाइन हो गई, लेकिन आर क्यू क्वेरी के बेस पे हमें रिपोर्ट डिजाइन करना है, और यहाँ पे जाकर के आर क्यू क्वेरी ही लेनी है। तो देखिए आर क्यू क्वेरी, अब ये जो नई क्वेरी बनाई उसका नाम आर क्यू क्वेरी मैंने रख दिया था, और यहाँ पर जाकर के फिर वही काम करना है आपको जो अभी आपने कुछ देर पहले किया। तो अभी तो सब कुछ हो गया, यहाँ पे जाके यहाँ से नेक्स्ट करिए और यहाँ से इसे मॉडिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट इसे नाम दे देता हूँ मैं, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, आर ई पी ओ आर टी। तो ये फाइनल रिपोर्ट कर दिया और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो फिनिश करेंगे तो ये आएगा इस तरीके से। अब इसको हमें हटाना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, और बाकी चीज़ों को एकदम लेवल में लेके आएंगे, एकदम सही तरीके से लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल अनअरेंज्ड वे में है, ठीक से दिख नहीं रहा है। नेम ऑफ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आ रहा है नीचे, ठीक है, और ये साइज काफी बढ़ गई है इसकी, इतनी बड़ी साइज होनी नहीं चाहिए, रोल नंबर की साइज भी काफी बड़ी है। तो इन सब को छोटा बड़ा करके ये सब देखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसको उठाइए और इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये जो काफी बड़ा दिख रहा है आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा साइज छोटा करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से जा करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये रहेगा, और टोटल मार्क्स आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक व्यक्ति का ही हमें रिजल्ट शो होगा, ठीक है। जैसे सुमन का शो हो रहा है, इनकी रैंक क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से चेंज करते हैं रैंक ऐप से, जैसे मान लीजिए, तो यहां पे देखिए ये 2 वाला, तो ये देख सकते हैं 2 वाला ही रिपोर्ट कार्ड आपको दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। रैंक कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप रैंक कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।